मेरे साथ बोलिए भारत माता की। भाई ऐसी आवाज नहीं चलेगी। करसोग से मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। जाएगी क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। इस बार हिमाचल में रिवाज बदलने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे वर्तमान विधायक श्रीमान हीरालाल जी, मैं करसोग की जनता को निवेदन करना चाहूंगा कि हीरालाल जी के लिए जोर से एक बार ताली बजाइए आप, क्योंकि इस जमाने में छोड़कर आशीर्वाद देने वाले लोग बहुत कम होते हैं। हीरालाल जी ने मन से दीपराज को आशीर्वाद देकर लड़ाने का संकल्प किया है। हमारे पूर्व वरिष्ठ विधायक श्री जोगिंद्र पाल जी, मंडल अध्यक्ष कुंदन ठाकुर जी, मिल्क फेडरेशन के अध्यक्ष निहाल चंद जी, पूर्व मंत्री श्री संधी राम जी, आरएसपुरा मंडल के प्रभारी श्री जी आर भगत जी, और आज जिनको मैं जिताने के लिए आया हूं, मेरे युवा साथी आ गया हो दीपराज, युवा साथी दीपराज जी, और करसोग के कोने कोने से आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले तो मैं करसोग की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। हेलीपैड से जब से निकला हूं तो यहां आया हूं, तब तक हर जगह मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं, कोई जगह खाली नहीं है। यहां पर भी तीसरी मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर, पहली मंजिल पर, रोड पर, मैदान में, हर जगह लोग ही लोग भरे पड़े हैं। एक सभा का माहौल ही मुझे कहता है भाई अमित, काहे को भाषण कर ऊर्जा कर व्यय कर रहे हो, दीपराज जीतने ही वाला है, चिंता मत करो। आपने जिस उष्मा से मेरा और हमारे प्रत्याशी युवा साथी दीपराज का स्वागत किया है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आज जब मैं करसोग आया हूं, तब इस पावन माटी के भगवान महुनाथ को नमन करकर, प्रणाम करकर मेरी बात शुरू कर रहा था। ये करसोग माता कामाक्षा जी की भूमि है, भगवान ममलेश्वर की भूमि है, और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद इस पवित्र माटी पर मिला है। आज देवभूमि में मैं पहली बार चुनाव की घोषणा के बाद आया हूं, मगर मैं जब आया हूं तब सबसे पहले ये देवभूमि और वीरभूमि की माताओं को प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि यही मेरा हिमाचल प्रदेश है जो आबादी के अनुपात में देश की सेना में सबसे ज्यादा बेटे भेजने का काम करता है, वो वही माता। और बेटे जब वीर होते हैं तभी होते हैं
जब जन्मने वाली माँ वीरांगना होती है तब देते हैं। पूरा देश हमारी हिमाचल की वीर माताओं को प्रणाम करता है, मैं भी प्रणाम करता हूं। मित्रों, 5 साल पहले यहां से थोड़े दूर जयराम जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैं गया था, मुझे माहौल बहुत अच्छा लगा था। तब मैंने कहा था जयराम जी को आप विधायक बनाइए, उनके बड़े व्यक्ति बनाने का प्रबंध हम करेंगे और वो मुख्यमंत्री बने। मगर उससे भी आज ज्यादा उत्साह और ज्यादा जनता करसोग के अंदर भाई दीपराज के लिए इकट्ठा हुई। मित्र, भारतीय जनता पार्टी राजनीति के अंदर देश की सुरक्षा के लिए है, देश का दुनिया में सम्मान बढ़ाने के लिए है, देश के गरीबों के जीवन स्तर पर ऊपर उठाने के लिए है, भारत के गौरव को बढ़ाने के लिए है और विकास करने के लिए है। आप मुझे बताओ, एक कांग्रेस पार्टी में, दिल्ली की बात कर रहा हूं, हां, कांग्रेस पार्टी में मां बेटे के अलावे कोई दिखाई पड़ता है? अरे बोलो ना भाई, दिखाई पड़ता है क्या? अब हिमाचल में भी मां बेटे के अलावे कोई दिखाई पड़ता है क्या? अगर मां बेटों ने ही पार्टी चलानी है तो मेरे युवा साथियों, आपकी जगह कहां रहेगी? रहेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में देश में जातिवाद, तुष्टिकरण और परिवारवाद, ये तीनों नासूरों को समाप्त कर मैरिट के आधार पर जो काम करेगा वो राज करेगा, इस सूत्र को प्रस्तापित किया है। हमने पिछले 5 सालों में हमारे विधायक जी के नेतृत्व में सड़क, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में ढेर सारे काम किए हैं। करसोग और हिमाचल पर मैं बाद में आता हूं, मगर सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं माताओं, भाइयों, बहनों, आपको, आप मुझे बताओ, एक कश्मीर से धारा 370 जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? सुनाई नहीं पड़ता है, माताएं नहीं बोलती है, जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी? 70 साल तक इस कांग्रेस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू की भूल को अपनी खोदी में झुलाने का काम किया, 370 को बचाकर। और धारा 370 के कारण भारत माता का मुकुटमणि अपना कश्मीर भारत के साथ कायमी जुड़ाव से अलग रहा। मोदी जी को आप लोगों ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। हिमाचल की सारी सीटें 2019 में फिर से मोदी जी की जोड़ी में डाल दी। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 और 35 से दोनों को उखाड़ कर फेंक दिया। मित्रों, फेंक, और संसद में कहते थे, खड़े होकर संसद में भाषण करते थे कि खून की नदियां बह जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं हुई भाई, कंकर चलाने की भी हिम्मत नहीं। और आज अपना कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि बनकर पूरे विश्व में विकास के रास्ते पर चल पड़ा है, लोकतंत्र के रास्ते पर चल पड़ा है। आप मुझे बताओ, आतंकवाद पर नकेल कसनी चाहिए या नहीं कसनी चाहिए?
जोर से बोले कश्ती चाहिए या नहीं कश्ती चाहिए। सोनिया मनमोहन की सरकार 10 साल चली, 10 साल तक ये पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसकर आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे। दिल्ली के दरबार में किसी की हिम्मत नहीं थी मुंह से एक शब्द बोले, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति करते थे। मोदी जी की सरकार आई, उरी पर हमला हुआ, पुलवामा पर हमला हुआ, पाकिस्तान को मालूम नहीं था यार सरकार बदल गई है, ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी। और मोनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर करारा जवाब देने का काम देश के प्रधानमंत्री ने। और मित्रों आज पूरी दुनिया में ये संदेश चला गया है कि भारत की सीमा और भारत की सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना जवाब मिलता है, जवाब मिलता है। मित्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया। ये मेरा हिमाचल प्रदेश सबसे ज्यादा सेना के जवानों को भेजने वाला प्रदेश, 40-40 साल से सेना के जवान वन रैंक वन पेंशन की मांग करते थे, एक कांग्रेसी नहीं देते। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, बनने के साथ ही वन रैंक वन पेंशन का 40 साल पुराना मसला समाप्त, क्योंकि मोदी जी मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि जो अपने प्राणों को नौछावर कर सीमाओं की सुरक्षा करते हैं वो जवानों के परिवार को खुशहाल रखने का काम देश की सरकार का है। मित्रों 40,000 करोड़ रुपया आज तक वन रैंक वन पेंशन में भारत सरकार ने रिटायर्ड जवानों के बैंक अकाउंट में सीधा पहुंचाने का काम किया। पहले भी कई बार महामारी आई, ढेर सारी महामारी आई, मगर वैक्सीन लगाने में तो 10-10 साल लग जाते थे भाई। कोरोना आया, यहां हाथ ऊपर करिए तो किसको किसको वैक्सीनेशन हो गया, जरा हाथ ऊपर करिए तो भाई, सबका हो गया ना, किसी को 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? जरा जोर से बोलो भाई, देना पड़ा है? सरकार ने कॉफी पिलाकर वैक्सीन लगाया ना, लगाया है नहीं लगाया? 130 करोड़ लोगों को टेक्नोलॉजी के आधार पर दोनों वैक्सीन और तीसरा बूस्टर डोज भी नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाकर देश को सुरक्षित करने का काम किया है, कोरोना से बचाने का। और इसके साथ साथ कोरोना के वक्त छोटे छोटे काम करने वाले, रिक्शा वाले, ठेले वाले, मजदूरी करने वाले, सेब के खेतों में मजदूरी करने वाले मेरे भाई, दिहाड़ी ही बंद हो गई, लॉकडाउन लग गया, क्या खाएंगे? देश के 80 करोड़ लोगों को 2.25 साल तक प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में राशन पहुंचाने का काम भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्र 80 करोड़ लोगों को राशन पहुंचाने वाली एकमात्र दुनिया में अगर कोई सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार है। मित्रों ये कांग्रेस हमेशा आंबेडकर जी का नाम देती है, मगर आंबेडकर जी को पूरा जीवन परेशान करने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिन बनाया, 26 अप्रैल को
26 नवंबर को संविधान दिन मनाया, मऊ में, लंदन में, नागपुर में, दिल्ली में और मुंबई में अंबेडकर जी का स्मारक बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, कांग्रेस पार्टी के लिए ये शिमला जो है ना, हमारा हिमाचल जो है ना, वो टूरिस्ट स्पॉट है। टूरिस्ट स्पॉट घूमने चले आते हैं, नेहरू से लेकर राहुल बाबा तक सभी लोग। मोदी जी के लिए एक कर्म भूमि है, कर्म भूमि। इसलिए मोदी जी ने सरकारी प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट में, जो कांग्रेस ने 60% केंद्र सरकार के और 40% हिमाचल के, ऐसा रेशियो बनाया था। मोदी जी ने 90% केंद्र सरकार दे रही है और 10% हिमाचल दे रही है, इस प्रकार का रेशियो बनाया। एक डबल इंजन की सरकार ने मित्रों हिमाचल का विकास किया है। माताओं, भाइयों और बहनों, हिमाचल के क्षेत्र को विकसित प्रदेश बनाने के लिए यहां इतनी सारी माताएं बैठी हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इस बार हमारे बजट में 20% हिस्सा माताओं को देने का काम हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने किया है। बिलासपुर में एम्स बनाया है। भारत में चौथी ही वंदे भारत ट्रेन हिमाचल को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। रेणुका जी बांध परियोजना 200 मिलियन ऊर्जा इकाइयों का निर्माण करेगी। सोलन जिले के नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया है। ऊना जिले में बल्क ड्रग का पार्क बनाने का काम किया है। और मित्रों, जहां तक यहां का सवाल है, बहना से पेयजल योजना शुरू की है। चुराग क्षेत्र और बक्साद में बीडीओ का कार्यालय और तहसील बनाया है। करसोग में बाईपास रोड का निर्माण किया है। आसला में सीएचसी शुरू किया है। मंडी से होते हुए तीरथपुर से मनाली फोर लेन रोड बनाने का काम किया है। हिम केयर योजना के तहत मंडी जिले के 85,110 परिवारों को फ्री ऑफ कॉस्ट स्वास्थ्य का कार्ड देने का काम किया है। और आयुष्मान भारत योजना में भी 85,000 परिवारों को देने का काम किया है। जल जीवन मिशन के तहत इतनी ऊंची पहाड़ियों में 1,37,186 घरों में नल से जल पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की जयराम ठाकुर की सरकार ने किया है। और 1,191,000,000 रुपये का मार्ग बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, आप मुझे सब बताइए, आप किसी को लगता था कि राम मंदिर हम अपने समय में देख पाएंगे, लगता था क्या? जरा जोर से बोलो भाई, लगता था क्या? मोदी जी ने बाबर के जमाने से टूटा हुआ राम मंदिर फिर से बनाने के लिए 2019 में भूमि पूजन कर दिया है और 2024 में वहां आकाश को छूने वाला राम मंदिर हम सब देख पाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने पूरे देश का गौरव दुनिया में प्रस्थापित करने का काम किया है। आज पूरी दुनिया मोदी जी किसी भी समस्या पर क्या बोल रहे हैं इस पर गौर करती है। ये बहुत बड़ी बात है। यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ, लगभग लगभग
अपने 35,000 से ज्यादा लोग वहां फंसे हुए थे। मोदी जी ने दोनों राष्ट्राध्यक्षों को फोन किया और फोन करने के साथ ही दोनों ओर से तोप के गोले 2 दिन बंद हो गए और अपने सभी नागरिक भारत सही सलामत आ गए। इतने प्रभावशाली व्यक्ति, इतना प्रभावशाली प्रधानमंत्री बहुत समय के बाद मिला है। और हिमाचल वालों, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारे गुजरात में पूछते हैं कि भाई मोदी जी कहां से हैं, मैं भी गुजरात से आता हूं, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं, मगर जब पूछते हैं तो आधे लोग कहते हैं हिमाचल से आते हैं और आधे लोग कहते हैं गुजरात से आते हैं। मोदी जी ने हिमाचल को अपनी कर्मभूमि माना है, यहां वो संगठन का काम करते थे, तब से लेकर आज तक पूरा विकास दिन दुनी रात चौगुनी गति से हो, इस प्रकार से करने का काम किया है। ये कांग्रेस वाले, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, एक ही एजेंडा है, रिवाज है, रिवाज है, रिवाज है। राहुल बाबा, रिवाज रिवाज काम में आने वाला नहीं है। उत्तराखंड के पहाड़ ने रिवाज तोड़ा है, इस बार हिमाचल भी रिवाज तोड़ने वाला है। ये हरी टोपी लाल टोपी की बात करते हैं, करसोग के भाइयों बहनों, मैं कहने आया हूं, आज से हरी टोपी भी भाजपा की है, लाल टोपी भी भाजपा की है। ये ऊपरी हिमाचल, नीचे का हिमाचल ऐसी बात करते हैं, मैं आज हिमाचल वासियों को कहने आया हूं, ऊपरी हिमाचल भी भाजपा के साथ है, नीचे का हिमाचल भी भाजपा के। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में मोदी जी के नेतृत्व में, जयराम भाई के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ फिर से एक बार सरकार बनाने जा रही है। मगर करसोग वालों, मैं यहां आया हूं, करसोग से हमारे भाई का एक कमल का फूल मोदी जी की झोली में डाल दीजिए। डालोगे क्या? अरे सुनाई नहीं पड़ता भाई, डालोगे क्या? कमल फूल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? हमारे प्रत्याशी को विधायक बनाओगे? जयराम ठाकुर के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बिंधकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे।